जय मसीह की। प्रभु सुने इस धरती के ऊपर रहकर एक बात कही, और आज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो लिखी है लूका 17 उसके 32वें वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो लूत की पत्नी थी उसको याद रखो। लूत की पत्नी वो थी कि जो नाश हो गई, जो नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर ने उसे कहा था कि यहाँ से भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं पर नाश हो गई। आग से तो बच गई लेकिन आगे चलकर अपने आप को नहीं बचा पाई। अभी देखो, हमारे परमेश्वर ना तो लूत को याद रखने की बात कर रहे, ना मूसा जो इतने महान भविष्यवक्ता हो गए, जिनके बारे में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 34:10 में ऐसा लिखा है कि मूसा के समान आज तक कोई भविष्यवक्ता पैदा ही नहीं हुआ। एलिया जो जिंदा ऊपर उठाए गए, उनके लिए भी परमेश्वर नहीं बोलते कि एलिया को याद रखो। अब्राहम वो विश्वासियों के पिता है जिन्होंने अपने एकलौते बेटे का बलिदान दिया, उनको भी नहीं बोला कि उनको याद रखो। लेकिन परमेश्वर ने लूत की पत्नी को क्यों याद करने को बोला, क्योंकि लूत की पत्नी वो थी कि जिनके घर परमेश्वर खुद गए थे और उसने अपने हाथों से खाना बनाया और उनको खाना खिलाया। लूत की पत्नी वो थी कि जो उसके घर के चारों ओर जो लोग भीड़ बनाए हुए आए थे, उनको मारना चाहते थे, उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे, उनको अंधा कर दिया गया था और लूत की पत्नी ने वो चमत्कार देखा था। लूत की पत्नी वो थी कि परमेश्वर ने उसके हाथ पकड़कर उसको सदम से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि भाग जाए यहाँ से, बच ले। परमेश्वर उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो नहीं बची, तो परमेश्वर क्यों कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद करो? क्यों अब्राहम को नहीं, क्यों मूसा को नहीं, क्यों एलिया को नहीं, क्यों एलिशा को नहीं, लूत की पत्नी को ही क्यों याद करो? इसका कारण था कि उससे हमें सीखने को मिलता है। आपके पास परमेश्वर आ जाए, परमेश्वर आपका हाथ भी पकड़े और आपको भगा दे, तो भी ये मत समझना कि आप बच सकते हो। अगर आप परमेश्वर को खाना बनाकर खिलाओ तो भी ये मत समझना कि आप बचाए जाओगे। अगर आप परमेश्वर के चमत्कार अपनी निगाहों से देखते हो तो भी ये मत समझना कि आप बचाए जाओगे। एक ही बात आपको बचा सकती है और वो है 100% आज्ञाकारी। बस वही आपको बचा सकती है। इसलिए लूत की पत्नी जब आज्ञाकारी नहीं की तो वो नाश हो गई, और इसलिए आज्ञाकारी करो और बचो और लोगों को बचाना सीखो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमेन।